आज हम रिव्यू करेंगे परफ्यूम द माली लेतन एक्सक्लूसिव का। ठीक है, ये बॉक्स है और इस तरह खुलता है। मैंने लिया था 75 ml का। ये बोतल में बैच कोड वगैरह है और यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह और मेड इन फ्रांस वगैरह है। ठीक है, तो ये बॉक्स है काफ़ी नीच टाइप इनका बॉक्स है। प्रेजेंटेशन अच्छी इनकी, ठीक है, कंपेयर टू क्रेट, जो कि मुझे इतना अच्छा ब्रांड नहीं लगता। उसके बाद ये 75 ml, इसके दो साइज आते हैं, 125 ml और 75 ml। तो ये एक प्राइसी है कंपेयर टू लेथन, ठीक है। और बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो हाइप थी काफ़ी ज़्यादा थी आफ्टर लेथन। अब इन्होंने पेगासस एक्सक्लूसिव निकाला है, तो ये एक्सक्लूसिव लाइन इनकी, इसमें ऊद ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं होप कर रहा हूँ जैसे काला एक्सक्लूसिव निकालेंगे, ठीक है, तो ये प्राइस ज़्यादा हाई कर रहे हैं। जैसे अमोश ब्लैक एरिस निकाला उन्होंने, तो उसकी प्राइस ज़्यादा हैवी है। अब अमोश इंटरलूड आई थिंक 53 निकाला है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, आपको 400-500 डॉलर में मिलता है वो। तो ये बेसिकली आपको अराउंड 200 डॉलर में मिलेगा। और जो लेतन है 100 ml, वो आपको 100 डॉलर 130-140 डॉलर में मिलेगा। तो प्राइस काफ़ी डिफरेंट है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेगरेंस हैं, ठीक है। दोनों सुपर लॉन्ग लास्टिंग है, ये ज़्यादा बीस्ट मोड है और प्रोजेक्शन इसकी हाई है, लॉन्गजीविटी इसकी हाई है। यहाँ इसका बैच कोड वगैरह है और इसकी जो कैप है काफ़ी क्लिक होती है, आप उठा लेते हैं जैसे, नॉर्मली मैं उठाता नहीं हूँ, ठीक है। और कैप काफ़ी हैवी है और इसका मैं आपको एनमाइजर दिखा देता हूँ, बहुत स्मूथ है, आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी स्मेल में आपको ओबियसली एप्पल है इसमें, ठीक है, ऊद है, एम्बर है। मैं आपको नोट्स बता देता हूँ। बेसिकली ये रिलीज़ हुआ था 2017 में। सो इसके जो टॉप नोट्स में आ जाता है आलमंड, मेडिटेरियन ऑरेंज, बर्गमट, वाटरी नोट्स, जेरेनियम, रोज और ऊद, वनीला, कॉफ़ी, सैंडलवुड। अराउंड आपको 2025 में ये आपको नोट्स मिलते हैं इसमें। ओवरऑल मैं बताऊँ आपको, आपको थोड़ा सा हुगो बॉस का आपको रिमाइंड कराएगा, ऊद है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऊद आपको डेफिनेटली मिलेगा इसमें। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो प्रोजेक्शन है 2 to 3 hours है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है इसकी, लॉन्गजीविटी इसकी बहुत अच्छी है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि ये जो फ्रेगरेंस है, तो इसकी जो लॉन्गजीविटी है अराउंड आपको 12+ hour आपकी स्किन पे मिलते हैं, ठीक है। कपड़ों पे आपको 2 या 3 दिन ईजी निकल जाते हैं। ये एवरीडे फ्रेगरेंस नहीं है बेसिकली, आप जितनी प्राइस पे करते हैं, बनाना चाहें तो आप सिग्नेचर से बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एम्बरी भी है, ऊदी भी है, एप्पल कम्बिनेशन है इसमें, थोड़ी सी फ्रेशनेस भी है, बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। लेकिन मैंने लेतन जो ओरिजिनल है उसके सैंपल काफ़ी ट्राई किए थे, उसके बाद इसको ख़रीदा था। ये मैंने ब्रांड बैग खरीदा था और शुरू में मैंने इसको बहुत लाइक किया, फिर मैंने लेतन ज़्यादा इस्तेमाल की, इसमें मुझे इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले। तो आपको एक प्रॉब्लम है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं इसमें मिलेंगे ज़्यादा। बीस्ट मूड है, लॉन्गजिविटी इसकी ज़बरदस्त है। सो ओवरऑल ये ग्रेट पैकेज है। लेतन आपको ज़्यादा जो ओरिजिनल है वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देगा। उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, डिसेंट है, 8-9 hours है स्किन पे। तो प्राइस के वाले से बहुत डिफरेंस है, ये काफ़ी प्राइसी है और वो इतना ज़्यादा प्राइसी नहीं है। तो बेसिकली ये अगर मुझे अब चूज़ करना पड़े, मैं लेतन पे ही जाऊँगा, ठीक है। इसकी स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिली। ओवरऑल मैं कॉम्प्लीमेंट्स के लिए पहनता नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल आप प्राइस भी देखते हैं तो प्राइस के हवाले से आपको इतनी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यह है कि अगर आप ऊद टाइप फ्रेगरेंस लाइक करते हैं, ये बेसिकली मैं कहूँगा अगर इसमें ऊद है, लेकिन ऊद नाइस वे ऊद बना हुआ है, ठीक है, इसमें ब्लेंड किया हुआ है इन्होंने। तो जैसे अमोश 20-20-30 notes होते हैं इसमें, तो नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स ये डालते हैं, ये जो होर्सी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और एक इसमें क्लास नज़र आती है बेसिकली। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। मेरे पास ओजान है, अकेस्टर है और मेरे पास एक और फ्रेगरेंस है परफ्यूम द माली का पेगासस। तो मैं उनका भी रिव्यू सुन करने वाला हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। राइट नाउ मेरा एक फेवरेट फ्रेगरेंस है, लेकिन अभी तक मैं बस थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अभी ऑफिस उन्होंने यहाँ लगती हैं, ठीक है। वो है एनिशियो मस्क थेरेपी। एनिशियो मस्क थेरेपी मैंने कुछ सैंपल 2-3 बार ट्राई किए हैं और मेरे ख्याल में वो मेरा सिग्नेचर सेंट होगा। मेरा कोई सिग्नेचर सेंट नहीं है तो मोमेंट तो, लेकिन मैं उसको बनाना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त स्मेल है उसकी और क्लीन, फ्रेश, सोपी और
उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर गाइस उम्मीद करता हूँ आप इसका रिव्यू लाइक किया होगा, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।